नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है और जिसका नाम है व्याकरण और निबंध। तो व्याकरण और निबंध के प्रश्न पत्र में इससे जो पहले जो हमने महत्वपूर्ण जो वीडियो बनाए हैं उसमें समास को पढ़ चुके हैं और कृत्य एवं पूर्व कृदंत इनको हम पढ़ चुके हैं उसमें, और एक प्रकरण हमारा निबंध का आता है उसको भी पढ़ चुके हैं। तो जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं उनमें देखिए अभी हमने चतुर्थी विभक्ति तक लिखे हैं, तो इनमें ये दोनों सूत्र हैं जो प्रथमा विभक्ति के हैं, ये दोनों ही सूत्र क्या है आते रहते हैं परीक्षा में। इसके बाद कर्तुरीप्सितमम कर्म है, हरी क्रोण अनंत ये है, अधि सिंह स्थासाम कर्म है, उपान वह है, और ये जो सूत्र हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप तैयारी करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप प्रथमा विभक्ति से लेकर के तृतीया तक सब सूत्रों को कर लें तो आपकी जो व्याख्याएं वो पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि छः सूत्र देगा आपको और छः सूत्र में से आपको तीन सूत्र की व्याख्या करनी है और उदाहरण सहित करनी है। कैसे, जैसे मान लीजिए येनांग विकारः सूत्र है, तो येनांग विकारः जो सूत्र है आप इसका अर्थ लिखेंगे कि जिस अंग से अंगी का विकार प्रतीत होता है या प्रकट होता है उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति आती है, जैसे नेत्रेण काणः, इस प्रकार से। तो आपको क्या उदाहरण सहित लिखना है, तो इनमें से चाहें तो आप पहली तीन विभक्तियां कर लें और चाहे तो जो मुख्य हैं उनको अगर आप कर लें। तो देखिए इनमें अक्सर कर जो आते हैं ये सूत्र अक्सर कर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें है ये जो सूत्र हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इनको बार बार क्या है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो आगे पंचमी षष्ठी और सप्तमी के सूत्रों को लिखेंगे। ये पंचमी षष्ठी और सप्तमी जो विभक्तियां हैं उनके महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं हमारे, तद्धित प्रत्ययों में जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वह है ये हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। इनके अलावा एक शब्द है आपका परीक्षा में आता है अक्सर कर, जैसे रागः, एक शब्द आ जाता है आपका पाशुपतम, एक आ जाता है गाढ़पतम, एक आ जाता है काकम, एक है यौवनम। ये महत्वपूर्ण पद हैं विद्यार्थियों। एक आ जाता है आपका जनता, जनता ग्रामता बंधुता, एक ही प्रत्यय इन सब में तल। उसके बाद देखिए एक आ जाता है साक्तकम, ये ऐसे हैं जो प्रायः परीक्षाओं में आते रहते हैं। एक है वैयाकरणः,
तो आप इनको क्या विद्यार्थियों ठीक तरह से तैयार कर लेंगे। इन्हीं में से आपकी जो चार सिद्धियां करनी है आपको, क्योंकि आठ शब्द देगा आपके लिए और आठ में से आपको चार सिद्धियों को करना है, तो वह सभी इसी विषय वस्तु में से आ जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक जो हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु का उद्देश्य एक है आपका महाभाष्य, और ये जो महाभाष्य है वह किसने लिखा है? पतंजलि ने। महाभाष्य जब आप पढ़ते हैं तो जो परीक्षा की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है, ये महाभाष्य हमारे पाठ्यक्रम में 15 अंक का दिया गया है, और 15 अंक में क्या करेगा ये, आपके लिए 2 प्रश्न देगा, 2 प्रश्न में से आपको एक का उत्तर लिखना है। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे कि देखिए, एक तो जो होता है, जैसे आप लिख, एक प्रश्न आ सकता है आपके लिए पतंजलि का, क्या है पतंजलि का व्याकरण को योगदान। अब ये जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न से आपके जो महाभाष्य में जो भी लिखा है आचार्य पतंजलि ने, वह है पतंजलि का जीवन वृत्त क्या है, वह सब इसमें वर्णन आ जाता है। फिर उसके बाद एक आ जाता है कि महाभाष्य के पश्चसाहनिक का सार अपने शब्दों में लिखिए। ये जब आप इसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो ये ही एक ऐसा प्रश्न है, अगर इसको आपसे पूछा जाए तो ये टुकड़ों में भी पूछ सकता है और आपसे एक साथ भी पूछ सकता है। जब ये एक साथ इसको पूछेगा, प्रथम पश्चसाहनिक है जो आपके सिलेबस में है, उसका जो सार है उसमें जो मुख्य बिंदु जो आपको याद करने हैं, देखिए एक तो है व्याकरण के मुख्य और गौण प्रयोजन, इनको अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। दूसरा है शब्दार्थ संबंध, तीसरा है व्याकरण शब्द की परिभाषा, इनको आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो इनमें से ज़्यादातर इनको कभी कभी अलग से भी पूछ लेता है, मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन। इनमें जो ये जो दोनों प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों के ही आने के चांस रहते हैं। कोई सा भी प्रश्न आपसे एक साथ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ ले पतंजलि और पतंजलि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व बताइए, तो भी ये लिखना है। पतंजलि का संस्कृत साहित्य को योग, संस्कृत व्याकरण शास्त्र को योगदान, तो भी आपको ये लिखना है। और कभी कभी जो एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये जो हैं पतंजलि, पतंजलि और कात्यायन में समालोचना करवा लेता है, पतंजलि और कात्यायन का आलोचनात्मक वर्णन,
ये जो प्रश्न हैं विद्यार्थियों, इनमें से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।